गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आपको कुर्ती डिज़ाइन दिखा रही हूँ पूरा। ये कुर्ती है मेरी और यहाँ पर मैंने ये नीचे दामन से बनाया है, ऊपर नेक अभी मैंने सिर्फ शेड और चौक से निशान लगाया है। और जब ये बन जाएगा, पूरा पेंट हो जाएगा, उसके बाद हम सिलेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने पहले पेंसिल बना लिया है, तो वाइट कलर है, वाइट फैब्रिक का सिंपल कलर है जिसे हम पहले एज अ बेस करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये डार्क कलर है, आप देख सकते हैं फ्रोजी कलर है डार्क, तो जब भी हम कभी डार्क कलर पर पेंट करते हैं तो हमें पहले वाइट कलर कर लेना चाहिए, ऊपर से पहले वाइट हो जाएगा, उसके बाद हमें दूसरा वाइट कर डबल शेड करना चाहिए। मीन्स आप चाहे तो पर्ल कलर यूज़ करें, चाहे फैब्रिक का करें, कोई सा भी करें, लेकिन आप पहले ये वाला वाइट कलर ज़रूर करें, उसके बाद ही आपके शेड्स दिखाई देंगे डार्क कलर पर। तो जब ये अच्छे से वाइट कलर हो जाए, मैं पहले पूरे डिज़ाइन में वाइट कलर कर दूँगी। तो यहाँ मैंने बना लिया है, यहाँ मैंने ये लिया है स्पार्कल ग्रीन कलर है ये पर्ल ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने स्टेम बनाया है इसके, तो मैं फ़िलहाल तो उसे बिना फ्रेम लगाया कर रही हूँ क्योंकि स्टेम मैं पूरा ऐसे बना रही हूँ। फिर बाद में जब मैं लीफ बनाऊँगी तब मैं फ्रेम लगा कर करूँगी। आप चाहे तो फ्रेम लगाए या ना लगाए, बट फ्रेम लगाने से कपड़ा श्रिंक नहीं होता और अच्छे से शेड आते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेम बना लिए हैं सारे और अब मैं इसमें लीफ में कलर करूँगी। तो चलिए, लीफ के मैं करने के लिए यहाँ मैं दो कलर लूँगी, ये डार्क, ये लाइट ग्रीन कलर है और ये है लेमन येलो। लेमन येलो पहले हम वाइट पर्ल कलर करेंगे और पहले वाइट पर्ल कलर अच्छी तरह से हो जाए तब हम। तो यहाँ मैंने लेमन येलो कलर लिया है, तो मैं हाफ लीफ में लेमन येलो कलर करूँगी और हाफ लीफ में मैं जो मैंने आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाया है वो लाइट ग्रीन कलर होगा। यहाँ मैं सारे ग्रीन कलर ही लगाऊंगी, लेकिन तीनों ही ग्रीन कलर अलग अलग होंगे। तो यहाँ मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है, देखिए वाइट और लेमन येलो के साथ लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लगता है। फ्रोजी कलर पर ये दोनों ही कलर बहुत लगते हैं। मैंने सारे लीफ बना लिए आधी और मैं जल्दी जल्दी सारे लीफ बना लेती हूँ इसी तरह से। और जब ये लीफ बन जाएगी फिर हम वाइट कलर से ऊपर से भी लाइन्स करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैंने वाइट कलर लिया है, सिंपल वाला वाइट कलर है और यहाँ मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया है, उससे मैं लाइंस बना रही हूँ। बहुत जल्दी हो जाती हैं ये, बहुत ईजली हो जाती हैं। तो इस तरह से लाइंस बनाने से काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसे कॉफ़ी कलर या मैरून कलर से भी बना सकते हैं, बट मुझे वो कलर यहाँ पर लगाना सही नहीं लगा, तो मैंने वाइट कलर से कुछ डिफरेंट किया। इसलिए अब जल्दी जल्दी सारी लीफ में ये लाइंस बना लेते हैं। तो अब मेरी सारी लाइंस कंप्लीट हो गई है यहाँ फ्लावर के लिए। ये है डार्क ग्रीन, ओके। सो ये डार्क ग्रीन है, 06 नंबर है इसका। तो यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन के पहले वाइट पर्ल कलर करूँगी शाइनिंग के लिए और काफ़ी अच्छा लुक आता है पहले वाइट करने के बाद करने पर। तो जब अच्छे से वाइट कंप्लीट हो जाए तब ही हम करेंगे। तो पहले हाफ जो पोर्शन है ऊपर वाला पूरा मैं इसको फिल कर लूँगी लास्ट वाला, और लास्ट में जो एंड है इसका बॉटम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लेमन येलो कलर लिया है। तो हाँ, जब ये हो जाए लेमन येलो अच्छे से, हमें बहुत अच्छा सारा सही से लगाना है कलर को, बहुत लाइट नहीं करना, और उसके बाद भी हमें शेड करना है क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है। हाँ, कपड़ा ही कॉटन है, मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कपड़ा है ये, तो मोस्टली ये वाला तो सिंपल सी कॉटन है, फिलहाल अभी न्यू है तो इसमें कुछ भी श्रिंक वगैरह नहीं है। हाँ, धुलने के बाद वो श्रिंक वगैरह अजीब सा हो जाता है, बट आप कॉटन के कपड़े को धुलकर मतलब तेज़ धूप में ना सुखाए तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने अब लेमन येलो कलर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर है। देखिए तीनों ग्रीन कलर है बट तीनों बहुत डिफरेंट है। तो डार्क ग्रीन कलर से शेड करेंगे दोनों साइड में इसी तरह से,
और उसके बाद नीचे के बनाएंगे, फिर हम येलो कलर से थोड़ा सा और शेड कर देंगे तो बहुत अच्छी लीफ बन जाएगी। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।